मार्च में मंगलवार को समाजवादी छात्र सभा जिला अध्यक्ष ने गरीब परिवार को खाद्यान्न राहत सामग्री का थैला पहुंचाया। विकास खंड शिवपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेला कला में गरीब मनोज कुमार का परिवार रहता है, जिसके घर में खाना खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों मनोज ने कई अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना व मुख्यमंत्री सहायता केंद्र 176 पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। कोटेदार पर राशन न देने का आरोप लगाया था। तब मौके पर पूर्ति निरीक्षक लोकमणि भट्ट ने निरीक्षण कर गरीब परिवार को राहत सामग्री दी थी। वही मीडिया के माध्यम से जानकारी होने पर समाजवादी छात्र सभा जिला अध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव ने मंगलवार को ग्राम चंदेला कला पहुंचकर गरीब परिवार को राहत सामग्री की बोरी दी और उन्होंने बताया कि हमें जानकारी हुई कि चंदेला कला में एक गरीब परिवार कई दिनों से भूखा है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसलिए हम लोग अपने निजी स्रोत से गरीबों की सहायता कर रहे हैं। आप लोग आज चंदेला में आए और एक गरीब परिवार को राशन मुहैया कराया, क्या है? देखिए, हमको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला कि चंदेला कला में एक गरीब परिवार करीब 5 दिनों से भूखा है और उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी नहीं की गई है। शायद सुनने में आया कि 1 किलो चावल 1 किलो आटा केवल देकर गया था प्रशासन। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही जो वैश्विक महामारी है, कोरोना जैसे संकट है, इसमें हम लोगों का ये एक मानवता के नाते एक फर्ज बनता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी निर्देश दिया है, मैं नंदेश्वर नंद यादव छात्र सभा जिला अध्यक्ष लगातार अपने निजी कोष से जो भी गरीब परिवार है उसकी मदद करने का काम हम लोग करते हैं और मेरा ये ध्येय है कोई भी भूखा न सोए। और निश्चित तौर पर इसलिए उसी कड़ी में आज हम लोग चंदेला कला पहुँच करके जब हमें जानकारी हुई आप लोगों के माध्यम से तो हम जो है यहाँ पहुँच करके हमने इस परिवार की मदद करने का काम किया। बहराइच से केकेडी न्यूज़ संवाददाता आमिर अली की रिपोर्ट। बहराइच बॉडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव कंदौसा में 2 सिपाहियों ने एक किसान को बुरी तरह से पीट दिया। कसूर सिर्फ इतना था कि वो घर से अपना गेहूं का खेत देखने गया था। वही सूचना मिलते ही बॉडी थाना अध्यक्ष ब्रह्मानंद सिंह मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया और सिपाहियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के बात भी कही। जसीम खेत पर गए थे और सिपाही और क्या हुआ भैया, क्या हुआ? ये खेत पर गए थे और सिपाही और उनके साथी कमराही और कल ना पूछा मारना शुरू कर दिया। कौन मारा? सिपाही थाना बौड़ी के जो है ना, उसके साथ में एक सिपाही भी था, सिपाही और था। सिपाही के लिए मारे भैया, डॉक्टर को लेकर चलो भैया, डॉक्टर को लेकर चलो भैया, महामारी से इस समय गुजर रहा है, उस समय पुलिस को ये क्या छूट मिली हुई है? दो पुलिस वाले आए हैं, मार कर इसको चले गए। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, क्या किसने मारा भैया आपको, किसने मारा भैया आपको, किसने मारा, कौन मारा इसे? अरुण सिपाही थाना बौड़ी के जो है ना, गिर गया वो, उठ ही नहीं पाया। सर ये बगल में अपना खेत है, यहाँ पे कहाँ हुआ है? दोनों पड़ी वाला वीडियो सर यही क्या कर रहा है? वहीं कैसरगंज कस्बा थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह और उनके सहयोगी स्टाफ द्वारा कोरोना संक्रमण बचाव हेतु बहराइच लखनऊ राजमार्ग पर कोरोना वायरस की पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया।
से केके न्यूज संवाददाता अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।